अरे बाबा बार बार खिस यादव को टारगेट करते हैं क्या उनका मकसद क्या है शंभव बाबा मैं सुना हूँ कि मीडिया वाले से पैसा लेते हैं दस रुपया बीस रुपया सौ रुपया तब इंटरव्यू देते हैं इसमें कितना सच्चाई कितना ही काम के तारीख किया कि शम्भ बाबा का बेटी के बारात में आया और जनता को दिखाया कि हमारा प्रेम बहुत नजदीक है बिना चेन्नई के चांद ना होला और बिना सूरज के घाम ना होला प्रेमी को तनो पुराण हो जाला प्रेम कहियो पूरा न होला, सोना कहियो चांदी ना होई, सोना कहियो चानी ना होई, आ मूर्ख कहियो ज्ञानी न होई, मूर्ख आदमी हो जाएगा ज्ञान ना होई आ सोना कतनों टूट फाट जाय कहो चानी के भाव बिकाय तो सोना कहियो चांदी ना होई, मूर्ख कहियो ज्ञानी न होई, आ खेसारी के कहो कतनो कही नमस्कार दोस्तों आज मैं आया हूँ डुमरसन में और मेरे सामने ये बाबा है इनका नाम है टनटन बाबा और ये बाबा शंभू बाबा के साथ ये काम करते हैं कहीं कहीं कीर्तन में जाते हैं और ये खेसाई लाल यादव के साथ भी ये काम कर चुके हैं उनके ग्रुप में ये काम कर चुके हैं तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि ये जो विवाह इन लोगों का चलते रहता है बीच बीच में कभी शंभू बाबा बोलते हैं कभी खेसारी लाल बोलते हैं कभी उनके पिताजी बोलते हैं तो इस पर बाबा का क्या राय है ये खुद बताएंगे क्योंकि ये बाबा उन दोनों के साथ रह चुके हैं और आज भी ये शंभू बाबा के साथ रह रहे हैं तो बाबा स्वागत है आपका हमारे चैनल पे हम पूरा भोजपुरिया समाज को यही कहेंगे कि आज जो भी विवाद चल रहा है ये अच्छी बात नहीं है खेसारी लाल के साथ में शंभू बाबा रहे हैं आज भी उनके साथे में हैं उनका लड़का का भी शादी हुआ तो नेवता लेकर खेसारी के घर गए थे कसारी बात किए कि नहीं किए कितना सच है कितना झूठ है ये दोनों जान बताएंगे कुछ मंगरू चाचा का भी बयान आता है तो मंगरू चाचा से भी कहेंगे कि भाई दोनों घर समर्थ रहे से तो बहुत बार स्टेज पर शंभू बाबा मंगरू काका को पाजा में पकड़ेंगे ये हमारे नाथ जी हैं कहकर हंसेंगे दोनों मिल कर रहेंगे आज ऐसा सरस्वती पुत्र जो धरती के बहुत आगे भोजपुरी पर ले जाने वाला खेसारी लाल और उतना बढ़िया कलाकार को पीछे ये लोग जो पड़े हैं चाहे उनका बुराई कर रहे हैं चाहे उनका समाज बेटी बहन को लगा कर गीत गाते हैं ये सबसे नजायज बात है हम हर कलाकार को कहेंगे कि हर कलाकार मिलजुल कर अपना अपना नसीब से कला को दिखाए कि हम कितने बड़ा कलाकार हैं कभी पवन सिंह से विवाद सुनते हैं कभी फलाना सिंह के सुनते हैं कभी ऐिरान गई होता है कभी भवान गीत होता है कभी खेसारी लाल का विवाद होता है कभी मंगरू यादव का विवाद होता है कहीं शंभू बाबा का होता है इससे हमारा बिहार का भोजपुरी साम्राज्य बहुत नीचे गिर जाएगा और आने वाले कलाकार उत्सव में नहीं रहेंगे इससे हर कलाकार से ही हम कहेंगे और शम्भू बाबा से भी कहेंगे कि आप अपना गाइए बजाइए अपना मौज मस्ती में रहिए कोई कलाकार को शिकायत करने से चाहे उसको गाली देने से यदि बस जाना होता तो बहुत लोग तो आगे हो जाते शम्भू बाबा बार बार खिसारी लाल यादव को टारगेट करते हैं क्या उनका मकसद क्या है वो कोई टारगेट नहीं करते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको उल्टा सीधा बोल करके हवा देते हैं शम्भू बाबा इतना गिरे हुए आदमी नहीं हैं लेकिन हम तो उनके साथ में हैं हम शंभू को कहेंगे कोई आकर आपको बहकावे या आपसे उल्टा सीधा खेसारी के बारे में कहवावे तो ये उचित नहीं देता है क्योंकि तो आज का प्रेम हम लोग सबसे पहले बोले हुए थे कि छपरा जिला का माटी का चार आदमी कलाकार है एक नंबर में भिखारी दो नंबर में खेसारी तीन नंबर में शम्भू तिवारी चार नंबर में टनटन बाबा पुजारी अब तो ऐसा ही युग आ गया कि चारों कलाकारों का नाम डूबने जा रहा है इससे हम यही कहेंगे कि कोई कलाकार की बुराई न किया जाए और जहाँ रही बात खेसारी का तो खेसारी बहुत लिट्टी चोखा बेचते बेचते क्लास करते करते मेहनत करते करते सरस्वती का देन हुआ कहा आज हिंदुस्तान लेवल पर है आज एक चैनल वाले से कहेंगे और जो भी भाई देखें इसको सरक्राइज करें और इसको लाइक करें अच्छा बाबा ये जैसे शंभू बाबा मैं सुना हूँ कि मीडिया वाले से पैसा लेते हैं दस रुपया बीस रूपया सौ रुपया तब इंटरव्यू देते हैं इसमें कितना सच्चाई है एक पैसा शंभू बाबा किसी से नहीं लेते हैं और न एक पैसा का लालच किए हैं और न एक पैसा खेसारी से भी मांगे हैं इसका गारंटी है शंभू बाबा उनको जो टारगेट करते हैं तो आप लोग उनको समझाते क्यों नहीं है आपके नजर में क्या गलत है कि सही है शंभू बाबा आज तो गलत काम हम देखे नहीं एक को बात हम सुने लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि शंभू बाबा कभी भी खेसारी से पैसा का डिमांड नहीं किए उनका लड़की का भी शादी हुआ जब तक खेसारी हीरो हुए तो दो मौसम नहीं आए लेकिन कितना मरदाही काम खेसारी किया कि शंभू बाबा का बेटी के बारात में आया और जनता को दिखाया कि हमारा प्रेम बहुत नज़दीक है ये अपना अपना जो है आके लोगों को बता दिए कि आज भी मैं शंभू बाबा को भूला नहीं उनको याद रखता याद, याद किया और पूरा डुमौसम में दिखा दिया कि हम शंभू बाबा के आज बारह चौदह लाख देने पर खेसारी कहीं जाता है और शंभू शम्भ बात बोले कि हमारे लड़की के शादी में आना है तो खेसारी आया और कितने लोग डरवाते धमकाते रहे खेसारी न किसी से डरा है न किसी के डरवाने में फंसा है आ ना नीच बुद्धि का खेसारी है बहुत सुंदर लड़का है अब बहुत नीच जगह मान छोटा जगह से जहाँ लिट्टी चोखा का दुकान तो से इतना ऊंचा बस जाना बड़ी सरस्वती माता की देन है और ठावे वाली माई की हम देन है और सबसे ज़्यादा उसके माता पिता का देन है आशीर्वाद है यार खेसारी आगे है अच्छा वो इतना आगे चले गए आप उनके साथ काम किए हैं क्या खेसारी लड़के साथ, साथ में है कसाड़ी का जो अठगाम हुआ था उनके गांव में वहाँ भी हम गए हैं मोरू काका के उनके चाचा से भी उनके भाई लोग से महेश परदेसी से कृष्णा बेदर्दी से पवन पांडे से उनके मौसी का लड़का है वो जो है बीच में उनका अथी बना था और सब लोग से हमको हैं सब लोग स्टेज पर गए हैं आप पवन बिहारी हैं पवन सिंह हैं सब लोग के साथ हम लोग काम किए हैं लेकिन ऐसा अच्छा विवादित चीज़ कलाकारों का अभी हमको देखने को मिल रहा है कि जो शंभू बाबा और खेसारी के बीच चल रहा है मीडिया वाले पूरा दुनिया में छाए हुए हैं कि क्या विवादित हो है, क्या अदालत किए हैं जैसे मंगरू काका का भी रिपोर्ट आता है कि शराबी है जुवेरी है लेकिन शंभू एक इंसान है और दुनिया में देखने से लिए खेसारी भी एक भगवान है जो हर नज़र में हर कलास्कर में हर रेडियो वीडियो में हर लोग खेसारी का फिल्म देखता है कैसे देखता है हर नौजवान खेसारी से खुश रहता है दुख होने के क्या कारण है ये शम्भ बाबा बताएंगे कि भाई क्या बात से आप दुखित हैं अच्छा ये तो शंभु बा अच्छा बाबा आप इन लोगों के ग्रुप में क्या करते हैं गाना बजाते हैं या क्या करते हैं हम कॉमेडियन कलाकार हैं अलाउंसर हैं जहाँ भी खेसारी का प्रोग्राम हुआ है हम पहले जाकर एक दो घंटा बोलते हैं पब्लिक को हंसाते हैं पब्लिक को कुछ कॉमेडी दिखाते हैं इसके बाद शंभु बाबा आते हैं इसके बाद खेसारी भी आते हैं वो लोग अपना अपना कलाकारी दिखाते हैं तो आप कोई गाना वाना गाते हैं क्या हम गवैया है ये नहीं हम कॉमेडियन कलाकार हैं बिना सूरज के चांद ना होला बिना सूरज की, बिना के बिना चन्नई के चांद ना होला आ बिना सूरज के घाम ना होला प्रेमी को कोतनो पुरान हो जाला प्रेम कहियो पुरान ना होला कहियो चांदी ना हुई। सोना हो, ना हुई। ना हुई। ना हुई। हो ना हुई। सोना कहियो चानी आ मूर्ख कहियो ज्ञानी ना हो मूर्ख आदमी हो जाये ज्ञान ना हो आ सोना कोतनो टूट फाट जायी कहियो चांदी के भाव बना बिकाई तो सोना कहियो चानी ना होई, मुर्ख कोई हो मूर्ख कहो ज्ञानी ना हो आ खेसारी के कहु कतनो तो कही आज खेसारी चाना हो गई गए वो खेसारी खेसारी नहीं रह गई कृपा बी भगवान के, के खेसारी अच्छा ना हो गल बे अच्छा रुआ अंत में हम ऑडियंस के क्या कह शम्भु बाबा और लोग के विवाद कैसे खत्म हो विवाद खत्म हो जाएगा दोनों को समझ में आ जाएगा आज तो खेसारी भी कुछ भी उल्टा सीधा भी तक शम्भुआ को नहीं बोले है कुछ एक आधो खीस में आकर मंगरू काका बोले हैं एक आधग गो लोग इधर से इधर से बोला है लेकिन अभी तक ले खेसारी सम्भू बाबा को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोले हैं यदि कुछ बोले होंगे तो लाइट में आता और शमूवसे को भी कहेंगे कि भाई कुछ भी कहना है तो आप मीडिया वाले से को कहोगे के खेसारी से मिलिए आप पचासों कैसेट में शम्भ बाबा हैं आज भी कैसेट बजता है उसमें खेसारी पचासों बार

हम अनाउंस करे हैं हम अनाउंस करते हैं पब्लिक के पहले बोलते हैं स्टेज पर चढ़ कर तो मतलब पब्लिक को शांत अब तक तो करके शांत करते हैं पब्लिक को वहाँ जुटाते हैं आए लोग अपना तैयार हुआ होकर जब स्टेज पढ़ते हैं तब तो अपना बैठ जाते हैं तो चलिए ये थे टन टन बाबा इनका नाम है ये खेसारी और शंभु जी की टीम में काम कर चुके हैं शम्भू बाबा की टीम में और इन्हीं से थोड़ा सा हम है लोग राय लिए क्योंकि इन दोनों का जो विवाद है कभी ना कभी आता रहता है सोशल मीडिया पे तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू